सरदार जी ये तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो गई। साडे बच्चे परेशान है, इधर रिया उधर अमृता, बीच में साडा वीर। ना वीर मानने को तैयार है कि वो अमृता से प्यार करता है और ना अमृता। दोनों बच्चों ने साडी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं की करूं। पापी तो मुस्कुरा क्यों रहे? जी, उम्मीद अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, बल्कि लोहा भी गर्म है। इसलिए अभी की अभी मार देते हैं हथौड़ा, जिससे अमृता कहेगी अपने दिल की बात वीर के लिए। कैसे? नमस्कार, ये है संजोत कौर, मैं हूँ दिलप्रीत सिंह बरार। हम सब करते हैं आपसे बहुत प्यार। अरे वाह, बहुत शानदार शुरुआत रही है ये। तो हमने सीन में देखा कि आप जो है अमृता और वीर को दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, लेकिन अमृता ऐसा नहीं चाहती, तो ऐसे में आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं दोनों को एक साथ मिलाने के लिए। हम तीनों मान सरदार जी और संजोत, बेसिकली ये पहले तो ये दो ही लोगों की सोच थी, दिलप्रीत सिंह बरार और संजोत की, क्योंकि संजोत तो बिगनिंग से ये चाहती थी कि अमृता और वीर का रिश्ता हो जाए। मैं चाहता था कि वीर और रिया का रिश्ता हो जाए, और इन्होंने ही गलती करी। इन्होंने जो रिश्ता कर दिया वीर के साथ, अब उसको ही भुगत रहे हम लोग सब। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझसे गलती होगी, उस गलती को मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता किसी तरीके से टूट जाए और वीर और अमृता का रिश्ता बन जाए। और इस चीज का पता चल गया है मान को कि मेरा बाप मेरी बेटी का ही भला चाहता है। वो चाहता है कि अमृता और वीर का ही रिश्ता हो, तो उस चक्कर में बाप और बेटा भी नजदीक आ गए, वो दूरियां भी कम हो गई हैं। और जैसा संजोष को बड़े बड़े प्यारे तरीके से इस बात को यूज़ करती हैं कि दिल की बातें जो होती हैं, दिल दिया करना, बड़े बड़े मसले हल कर देती हैं, तो ये मसला भी हल हो रहा है। मतलब ये कि संजोत कौर को एक खुशी मिलती है तो दूसरा दुख पहले ही तैयार बैठा होता है। तो अभी मुझे ये खुशी हुई संजोत कौर को कि बाप बेटे एक हो गए हैं, तो अब दूसरा मसला शुरू हो गया कि मेरा वीर दुखी है, मेरी अमृता दुखी है और रिया भी दुखी है। वो भी एक्चुअल में प्यार को तरस रही, एक तरफा प्यार है। तो हम तीनों की ये कोशिश है कि एक तरफा वाले प्यार में कभी सफलता नहीं होती, आगे जाके खटास आती है। इसमें एक बहुत बड़ी मसला क्या हुआ है कि मैंने वीर को बहुत समझाया, वीर नहीं समझा, रिया को बहुत समझाया, रिया नहीं समझी, अमृता को बहुत समझाया, अमृता नहीं समझी। अब मसला बहुत बिगड़ गया है, तो अब इस मसले को सुलझाने के लिए मान और दिलप्रीत सिंह बरार ने कुछ प्लान किया है, जो अभी सीन में यही संजोत को पूछ रही थी क्या करें क्या करें, बड़ी विचलित थी। तो हमने इशारे इशारे में बोल दिया कि लोहा गर्म है और हथौड़ा हम मारने वाले हैं। ये पूछ रही क्या करने वाले, वो मैं इनको नहीं बता रहा हूँ, दर्शकों को भी नहीं बताऊंगा, वो आने वाले एपिसोड में आप सबको दिखेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।